चैनल सब्सक्राइब न कर है तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दा। देखो यहाँ पे आज के वीडियो में तू लोग के बतावे लो है कि जो पीएम किसान है तो ओकर यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस बहुत दिन से अभी चेक होला बंद हो गए है, मतलब सर्वर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी जरा कारण यहाँ पे जो पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस है यानी कि चेक हुए कि हमारे कितना इंस्टॉलमेंट आयल, कौन सा अकाउंट में आयल, कब आयल, इस सब जानकारी यहाँ से चेक हुआ है। तो यहाँ पे सर्वर में कुछ इशू है के कारण अभी बंद कर देवल गए हल और एक में अपडेट भी करल जाए थे। तो यहाँ पे अपडेट वगैरह के काम तो हो गए है लेकिन अभी भी अपडेट वाला चल रहा है, पूरी तरीका से अभी अपडेट ना हो ले है। तो आज के वीडियो में हम तू लोग के बताबो कि कैसे तू लोग जो बेनिफिशियरी स्टेटस है ओका चेक कर सकला है, काहे कि यहाँ पे तू कितनों कोशिश कर लेवा तो अपने से यहाँ पे चेक न होत, एक मतलब यहाँ पे ट्रिक अप्लाई कर तब वही तू लोग के यहाँ पे जो बेनिफिशियरी के स्टेटस हो वो यहाँ से चेक कर सकला है। तब वो तो बहुत सारा भाई लोग के न मालूम है, किसान भाई लोग के। तो चलो आज के वीडियो में हम तू लोग के वही बताबो कि कैसे तू लोग के स्टेप बाय स्टेप अपन बेनिफिशियरी स्टेटस के चेक कर सकला है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। तू लोग ये अपन अपन काम मोबाइल में भी कर सकला है। तो चेक करेला देखो सबसे पहले जो पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट है ऊपर तू लोग के आ जाए लावा, गूगल क्रोम में जाके यहाँ पे तू लोग पीएम किसान लिख के सर्च करबहू तो यहाँ पे वेबसाइट तू लोग के देखला मिल जाए। तो ई वाला लिंक पर क्लिक करब तो देख सकला है यहाँ पे वेबसाइट है जो खुल गए जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी वेबसाइट पर नीचे गला के बाद यहाँ पे देख सकला है बेनिफिशियरी स्टेटस के एक ऑप्शन मिला है, ई वाला लिंक पर तू लोग के क्लिक कर देवे लावा। क्लिक करता ही देख सकला है कुछ इस प्रकार से खुलता हुआ। यहाँ पे तू लोग के सर्च बाई में जाओ तो दो ऑप्शन मिले, मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर तू लोग के कैसे निकाले लावा ये पिछला वीडियो में हम तू लोग के बतेलुए है। तू लोग अगर वो वीडियो देखल चाहिए था तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हो, वहाँ से तू लोग अपन रजिस्ट्रेशन नंबर भी निकाल सकला है जो पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन नंबर हो है। अब देखो यहाँ पे तू लोग के बता दू कि तू लोग के कैसे चेक करे ला हुआ कि मतलब जितना भी तो इंस्टॉलमेंट कितना आयल है कहाँ आयल है। तो एक चेक करेला सिंपल सा एक उपाय है कि यहाँ पे अपन मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर सिलेक्ट कर लिया, हम यहाँ पे मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर दी थी, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर तू लोग के डाल देवे ला। मोबाइल नंबर डालला के बाद देखो यहाँ जो कैप्चा कोड है एकरे में एक सेंस लगावेला है, यानी कि यहीं पे दिक्कत आवित है। ये जो कैप्चा कोड है ना ये मतलब पहले वाला देखा दी थी लेकिन एक बाद जो आवे तो वो वाला हमें चाहिए। तो वो आवेला का कहला हो कि कैप्चा पर राइट क्लिक कर लाव और ओपन इन न्यू टैब पर क्लिक कर देवे लाव। अगर तू लोग के मोबाइल हो तो यहाँ पे इ पर क्लिक कर ले रहा तो यहाँ पे देख सकला एक ऐसा ऑप्शन देता हुआ ओपन इन ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो ई वाला लिंक पर तू लोग क्लिक करब तो देख सकला है यहाँ पे जो बगल वाला टैब है ओका में कैप्चा कोड खुल गए। ई कैप्चा कोड और ई कैप्चा कोड में अंतर हुआ है, दोनों अलग अलग होते हो। तो ई कैप्चा कोड ई में डाल देवेला है जो कि नया टैब में खुला है, वो कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देवेला है। चलो हम डाल दी थी। अब यहाँ पे डालला के बाद तू लोग के गेट डाटा वाला पर क्लिक कर देवेला। ध्यान रखिए ई वाला जो कैप्चा कोड देवल जाए थे ई तू लोग मत डाली है, हम तू लोग के बार बार बताए थो कि जो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ओपन इमेज इन न्यू टैब है इस पर क्लिक करके नया टैब में दूसरा कैप्चा कोड खुलता हुआ उहे तू लोग के डायला हो, ये बात के ध्यान रखिए। अब यहाँ पे गेट डाटा पर जैसे ही क्लिक करवे तू लोग देख सकले एकदम लाइव तू लोग के दिखेल हुआ यहाँ पे पूरा डिटेल्स वगैरह खुल गए। अब तू लोग नीचे करके सब चीज देख सकला है कि कब कितना पेमेंट तू लोग के हो गए है और यहाँ पे ये भी तू लोग देख सकला है 11वां इंस्टॉलमेंट वाले है ओकर बारे में भी यहाँ पे जो नया रो है वो बना देवल गए है, यहाँ से 11वां इंस्टॉलमेंट के बारे में भी यहाँ पे बतावल जाए थे। तो इस प्रकार से तू लोग भी अपन अपन जो भी डिटेल चेक करल चाहिए था यहाँ से चेक कर सकला है। एक छोटा सा इशू हले जो कि हम तू लोग के बता दिलू कि अगर तू लोग के जो यहाँ पे कैप्चा कोड हो ओका ओपन इन न्यू टैब करके खोल के जो दूसरा कैप्चा कोड होता है वो डाल देवेला है, जो कि शो करी थी वो कैप्चा कोड न डालेला है, ये तू लोग के हम बार बार बताई दू। तो चलो उम्मीद कही थी कि तू लोग के वीडियो पसंद पड़े हो, तो अगर वीडियो पसंद पड़े हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए। मिला हुआ अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।